कोई लाइन खाली नहीं जाए। बात समझ में आ गई? वो पूरा उठाएगा, स्टेप समझते चलो, बीच में डिस्टर्ब मत करो, पूरा प्रोग्राम एक बार में कलेक्ट करेगा, उठाने का मतलब कलेक्ट करेगा। दूसरा वर्क करेगा, वह एरर्स ढूंढेगा, क्योंकि कंपाइलर का काम ही है, अगर गलतियां उसमें रह गई तो वो तो प्रोग्राम रन नहीं ना करेगा। तो सेकंड वर्क क्या करेगा, फाइंड आउट एरर्स। आपके टॉपिक में आना चाहिए, और आप ये मान के चलिए कि आपका ये क्वेश्चन आने वाला है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और व्हाट इज कंपाइलर और व्हाट इज इंटरप्रेटर, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इस तरह के सारे क्वेश्चन के सिचुएशन को आप अपने दिमाग में रेडी रखेंगे। कोई डाउट है? मैं अभी आपको एक सूचना दे दे रहा हूं, 3-4 क्वेश्चन इससे अपना तैयार कर लीजिए। क्लियर है? तो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में उठाएगा, मैंने सारी गुंजाइशें छोड़ दी हैं, लाइन दो लाइन हो तो, दो अरब लाइन हो तो, एक ही बार में लेगा, उसमें से गलतियां ढूंढेगा। एक मिनट के लिए अगर 7 लाइन की कोडिंग उठाई, जैसे मैं जानबूझ के गलती देने जा रहा हूं, उसमें यहां कितने लाइन में गलती आ गई, यह कोई सिंबल है ही नहीं, और यह ऑपरेटर के साथ वेरिएबल काम करेगा नहीं, कोई दिक्कत? तो दो गलती है। जैसे ही एरर मिलेगा, वह एरर पहले प्रोग्राम को कैंसिल करेगा, मतलब रन के मोड से बाहर निकालेगा, एरर वाली जितनी लाइन है उस लाइन को एक ही बार स्क्रीन पर जाके शो करेगा, प्रोग्राम ब्रेक। तो जितनी गलतियां आपके स्क्रीन पर आ गई, तो 7 लाइन है, 2 गलती आई, चलेगा। आपकी कोडिंग थी 7 लाख लाइन की, और आपकी गलती आई 23,000, तो एक स्क्रीन पर अगर 23,000 गलती आएगी तो कई पेजेस में आएंगी, क्योंकि एक स्क्रीन में अप्रॉक्स 28 से 30 लाइन ही दिखाई पड़ती है। तो 30,000 गलती का मतलब है कई लाइन आया, 300 लाइन, 300 स्क्रीन। तो सबको ढूंढते रहिएगा। तो प्रोफेशनल इसके लायक है, उसको मालूम है कि केवल एक गलती से हर 300 बहुत सारी गलतियां उलझ रही है, वो उसी लाइन पर जाएगा, उस गलती को ठीक करेगा। तो कंपाइलर एक ही बार में एरर ढूंढता है, एक ही बार में पूरे कंपाइलर प्रोग्राम को डिकोड करने की कोशिश करता है, डिकोड तभी करेगा जब एरर नहीं मिलेगा, पहले वो एरर ढूंढता है, एरर मिल गया तो उठाकर आपके स्क्रीन पर डाल देगा और प्रोग्राम ब्रेक कर देगा, डिकोड करेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेहनत करके क्यों बैठे। मतलब ऐसे, माँ पहले देख लेगी कि घर में मेंबर कितने हैं, तभी आटा सानेंगे।